कौन सी जीतेगी? हमारे क्लॉस्टर अपनी पीछे नजर आ रही है, बच्चे तालियां मार रहे हैं, यहाँ बच्चों की लड़ाई हो रही है बैठने की। बड़े चीटर मिजाज के आदमी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो आज हमारे साथ में है दो बहुत ही प्यारी प्यारी गाड़ियां और दोनों एक दूसरे की राइवल्स है, सेम प्राइस सेगमेंट में फॉल करती है, बेसिकली सेम सेगमेंट की गाड़ियां हैं भाई। अपने फॉर्च्यूनर तो हीरा है ही, जिसे देखो हर किसी की ड्रीम लिस्ट में होती है भाई। ग्लॉस्टर भी बहुत ही ज्यादा तगड़ी गाड़ी है, दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह है, ये फीचर रिच है और ये यार नेता गुंडों वाली गाड़ी है, ये तो प्यार है सबका। तो दोनों गाड़ियों के बीच में हम आज ड्रैग रेस करने वाले हैं। पावर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 201 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इसमें आपको मिलती है 214 bhp की पावर एंड 478 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको 2 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन मिलता है, इसमें आपको मिलता है 2.8 लीटर का इंजन। तो भाई पावर कॉन्फ़िगरेशन वैसे देखा जाए तो दोनों की बराबर सी ही होगी, क्योंकि एक की पावर ज़्यादा है, एक का टॉर्क ज़्यादा है। तो भाई देखते हैं रोड पे आने के बाद कौन सी बेटर परफॉर्म करती है। अगर वेट की बात करूँ ना तो ग्लॉस्टर भाई ज़्यादा लंबी भी है, ज़्यादा चौड़ी भी है, ज़्यादा ऊंची भी है, तो थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा है। इसमें आपको मिलता है 2465 kgs का वेट, वेयर फॉर्च्यूनर में मिलता है 2180 kgs का वेट, 285 kgs का। तो दोनों गाड़ियों में फ़र्क आ जाता है, ग्लॉस्टर ज़्यादा हैवी है। अब देखते हैं भाई क्या परफॉर्मेंस रहती है दोनों गाड़ियों की। यार हमारे पास ना एक छोटी सी ऑडियंस है, और जो ये गाड़ी ड्राइव करने वाले हैं वो बंदा, मतलब जो ऑनर तो नहीं कह सकते, ऑनर के फ्रेंड की गाड़ी है, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। पहले अपनी छोटी सी ऑडियंस से पूछते हैं क्या लगता है दोनों गाड़ियों में से कौन सी जीतेगी। हाँ, ग्लॉस्टर जीतेगी। किसी को भी फॉर्च्यूनर नहीं लग रहा, सारे ग्लॉस्टर बोल रहे हो। अच्छा चलो ठीक है भाई, देखते हैं अब ऑनर के पास चलते हैं। हाँ जी ऑनर के फ्रेंड, आप बताएं आपको क्या लगता है, आपको फॉर्च्यूनर पे भरोसा है ग्लॉस्टर पे? फॉर्च्यूनर, बाकी लेट्स सी क्या होता है। कुछ भी नहीं कह सकते ड्राइवर्स का। अब दोनों की दोनों गाड़ियां ली जा रही है यू टर्न। यार दोनों की लुक्स अपनी अपनी जगह है, फॉर्च्यूनर तो वैसे ही लेजेंड है, और ग्लॉस्टर की लुक्स भी देखने में काफी अच्छी लगती है, सिंपल सी प्यारी सी। लंबी बहुत है भाई गाड़ी, मतलब ना बहुत ही ज्यादा लंबी है, ट्रक सा एकदम। तो अभी मैं जाके फॉर्च्यूनर में बैठ रही हूँ, क्योंकि वैसे भी गाड़ी का वेट थोड़ा ज्यादा है। बस मुझे एक कमी लगती है, इसका इंटीरियर सुधार दो फॉर्च्यूनर का, बाकी तो यार हेड आती है गाड़ी। फुट मोड है, ट्रैक्शन ऑफ है, मैनुअल पे नहीं, ड्राइव पे ही चला रहे हैं, और एसी ऑन है दोनों गाड़ियों का। ठीक है अच्छा बंद कर लेते हैं, और ये यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है राउंड वन। दोनों गाड़ियाँ लाइंड है और लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो हमारा दूसरा कंटेस्टेंट हॉर्न प्रेस कर रहा है भाई। राउंड वन, चलो 1 2 3 गो। थोड़ा सा लॉन्च लेट हुई है फॉर्च्यूनर, लेट्स सी निकल। हाँ लैग है इसके थोड़ा, बहुत ज्यादा लैग मार रही है, मतलब गियर शिफ्टिंग। ग्लॉस्टर अभी आगे है, क्लियर विनर 140 पे, 140 पे इसने ग्लॉस्टर को क्रॉस किया है, 140 तक ग्लॉस्टर आगे थी। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। चलो फर्स्ट राउंड की तो क्लियर विनर है ग्लॉस्टर भाई। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है राउंड नंबर 2। नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड डाल लिया, ट्रैक्शन ऑफ है और एसी ऑन है। राउंड 2, लेट्स गो नाउ। 1 2 3 गो। ओके ग्लॉस्टर फिर निकल गई। ये देखो यहाँ पे कितना लैग है इस टाइम पे ना, इनिशियल जो है ना वो लैग बहुत ज्यादा फील होता है। इनिशियली नहीं निकल रही है फॉर्च्यूनर, वो ग्लॉस्टर जल्दी निकल रही है। कवर तो कर जाएगी वो तो भी नो, बट इनिशियली निकल गई। 130 पे गई, 130 में निकल रही है। लो भाई वही ना, 120 तक वैसे भी ग्लॉस्टर आगे रह रही है, तो इनिशियल वाला तो विनर अभी भी ग्लॉस्टर को ही कहेंगे। ठीक है बाकी 120 के बाद 130 तक भी आलो, 130 140 तक फिर ये आगे निकल जाती है। ये अगर जैसे इसको लॉन्च कर रहे हैं ना तो ये पीछे रह रही है। मैंने अब की बार ने इसको ज्यादा लॉन्च नहीं किया, खाली 1500 आरपीएम पे उठाया था। हाँ भाई ग्लॉस्टर जीत गई, तुम लोगों ने तो पहले ही कह दिया था है ना। लो भाई अब राउंड 3 स्टार्ट होने वाला है, तो पार्टिसिपेंट का कहना है launch, इस बार मैं लॉन्च नहीं करूंगा, लॉन्च करने से ये लैग मार रही है। ठीक है ओके चलो लेट्स सी, अब क्या करूं मैं, लॉन्च करूं ना करूं, वो देख लॉन्च कर, मेरे को आगे उठानी आगे। राउंड 3, 1 2 3 को। फॉर्च्यूनर इनिशियली निकली बट लॉन्च सही हुई है, दोनों एकदम टाइम पे हुई है। हमारा दूसरा पार्टिसिपेंट पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, इनको मौका देंगे बोलने का। फॉर्च्यूनर आगे निकल गई है 110 पे। ठीक है इस बार आपने लॉन्च थोड़ी सी, मतलब पहले हुई थी अपनी वाली, पहले हुई है, थोड़ी सी पहले हुई है। इस बार ग्लॉस्टर अपनी पीछे नजर आ रही है, आपको दिख रहा होगा। हां भाई पहले लॉन्च हुई है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था पहले लॉन्च। बड़े चीटर मिजाज के आदमी है,
तो ये है फिफ्थ और लास्ट राउंड। हमारे ग्लोस्टर वाले ड्राइवर सर का कहना है कि ये जो आदमी आपको दिख रहा है इसने चीटिंग की है, इन्होंने पहले गाड़ी लॉन्च कर दी। मतलब चीटिंग तो क्या है, हो जाती है कभी कभी। तो अब ये लास्ट राउंड रह रहा है, लास्ट राउंड में देखते हैं कौन सी गाड़ी जीतती है। वैसे मुझे ग्लोस्टर की उम्मीद है। तो यहाँ पे अगला राउंड स्टार्ट होने वाला है, सेम वही है, एसी वगैरह ऑन है, वही सब स्पोर्ट्स मोड जो पहले से करते आ रहे हैं सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। राउंड 4 एंड यहाँ पे 3 हॉर्न प्रेस का वेट है। 1 2 3 गो। सेम निकल गई ग्लोस्टर, पकड़ ले। हाँ बट वही बात है ना, 80-100 तक भी ग्लोस्टर आ गए हैं। 110 पे क्रॉस करना इसने स्टार्ट किया है एंड 140 पहुंचते ये क्रॉस कर जाती है। बच्चे तालियां मार रहे हैं। बच्चे बैठ रहे हैं, कितने बच्चे हैं? ये देखो यहाँ बच्चों की लड़ाई हो रही है बैठने की, और कह रहे हैं हम इधर नहीं बैठेंगे। ये देखो बच्चे कह रहे हैं ऊपर से बाहर निकलेंगे सनरूफ से। शांति से बैठे रहना, बाहर नहीं निकालना। लास्ट राउंड है, अब स्टार्ट करें। अब हॉर्न प्रेस करो, सब कुछ सेम ही है भाई, बस थोड़ा वेट बढ़ा दिया है। यहाँ पे 2 बच्चे हैं और वहाँ पे भी 3 बच्चे हैं शायद। अच्छा 4 बच्चे हैं वहाँ पे। चलो राउंड 5 1 2 3 गो। लो भाई ग्लोस्टर फिर निकल गई, यही जो लैग मारती है यहाँ। जब सबसे पहले वाला इनिशियल पिकअप होता है ना, वो इसमें इतना नहीं है, वो ग्लोस्टर पहले निकल जाती है। अभी देखना ये बस जैसे ही 120 क्रॉस करेगी ये कवर करना स्टार्ट कर देगी। तो एक सौ चालीस पे क्रॉस किया है, क्योंकि 140 तक की ढंग से भगती है हमारे ग्लोस्टर। तो भाई ड्रैग रेस हो गई है खत्म, क्लियर विजेता जो है वो अपनी ग्लोस्टर है। उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि ग्लोस्टर जीत पाएगी, लेकिन जीत गई है। लेकिन पोटेंशियल रेस में देखा जाए तो फॉर्च्यूनर विनर है। अब भाई ये लेजेंडर नहीं है, ये नॉर्मल फॉर्च्यूनर ही है। यहाँ पे लेजेंडर ओनर ने अपनी मर्जी से लगा रखा है, कल को आप कह दो गाड़ी बदल दी तो ऐसा कुछ नहीं है यार। देखा जाए ना तो मैंने और हम लोग तीनों जो लोग हैं, मतलब जो बिहाइंड द कैमरा पर्सन है, मैं हूँ और विक्रम है, हम तीनों का यही मानना था कि फॉर्च्यूनर जीतेगी। लेकिन बच्चों ने कहा था नहीं ग्लोस्टर जीतेगी। तो बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं, भगवान ज़्यादा सुनते हैं बच्चों की, तो उनका कहना जो था वही हुआ, ग्लोस्टर जीती है। बाकी जस्ट फॉर फन एक ये ड्रैग रेस थी। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। बाय बाय।